जी हाँ दोस्तों, मैं हूं आपका लखनपाल 007। आज की वीडियो में बात करेंगे कि क्यों मेरा यूट्यूब का जो चैनल है मोनेटाइज नहीं हो पाया, क्योंकि मैं अभी नया नया यूट्यूब पे जुड़ा हूं। हो सकता है आप भी नए नए यूट्यूब पे जुड़े हों और वीडियो अपलोड करते हो इस चाह से कि आप अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करें, उसके बाद आपको उस वीडियो से इनकम आना शुरू हो जाए। पर कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, जो गलतियाँ मैंने की हैं वो आप ना करें। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा, कौन सा मेल है, कौन मुझे जो यूट्यूब की तरफ से आया और क्या कारण रहा है जिसके कारण मेरा यूट्यूब चैनल जो है मोनेटाइज नहीं हुआ। आइए आपको अपने लैपटॉप पे ले चलता हूँ। इस वक्त आप मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर हो, यहाँ देखिए आप, ये मेल आया मुझे यूट्यूब की तरफ से 4 घंटे पहले आया था सुबह, तो मैंने यहाँ चेक किया, वो धन्यवाद करे, थैंक यू योर अप्लाई, मतलब आपने ऐसे अप्लाई किया यूट्यूब के जाने को, पर इस समय आपका जो मतलब भी यूट्यूब की पॉलिसी है उसके साथ मैच नहीं कर रहा, इसलिए हम लोग मोनेटाइज नहीं करेंगे। सो वी कैन नॉट अप्रूव योर यूट्यूब चैनल फॉर मोनेटाइज एट दिस टाइम, मतलब इस समय नहीं होगा, मतलब इसका मतलब डरने वाली बात नहीं, भी कभी भी नहीं होगा। ये कह रहे हैं यू कैन रीअप्लाई टू द यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम इन 13 डेज, आप 30 दिनों के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं इसका कारण क्या है। यहाँ पर हम लोग चलते हैं यूट्यूब के ऊपर डैशबोर्ड, ये मेरा यूट्यूब स्टूडियो, उसके डैशबोर्ड पे आ गए, ठीक है। ये देखिए इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन यहाँ पर लिखा हुआ है ना, यहाँ पर करते हैं लर्न मोर के ऊपर, रीयूज्ड कंटेंट। भाई ये क्या होता है, इसमें हुआ ये था कि मैंने ना एक वीडियो थी मेरे YouTube चैनल पर, ये बहुत पुराना चैनल है मगर मैं अब वीडियो डालनी शुरू की है। वीडियो उस वक्त भी डालते थे पर मुझे ये नहीं पता था अभी ऐसे मोनेटाइज होता या कुछ होता, वैसे ही वीडियो डाल दी हंसी मजाक में। अब मैं रेगुलर चलो रोज़ की एक आधी वीडियो डाल देता हूँ। इसमें एक म्यूज़िक की मतलब ना मुझे बहुत अच्छा लगा था, सारे गामा पा में कुछ ऐसी वीडियो थी, मैंने अभी डिलीट कर दी अपने चैनल से, वो मैंने उठा कर इधर डाल दी। और हुआ भी क्या, भी उसी से मेरे व्यू बहुत ज़्यादा हो गए, करीबन उस वीडियो के 200 के मतलब लगा लीजिए 2 लाख के करीबन मुझे व्यू आ गए। अभी भी डैशबोर्ड पे ले जाता हूँ, पर मैंने वीडियो को डिलीट कर दिया, मेरा वॉच टाइम अभी भी बरकरार है 12.8K वॉच टाइम है। मुझे नहीं पता कैसे जा रहा था, यूट्यूबर तो यही कहते हैं कि जब आप वीडियो डिलीट करोगे आपका वॉच टाइम भी डिलीट हो जाएगा उसी वक्त, पर अभी तक तो मेरा हुआ नहीं है। पर मैं नहीं कहूँगा भी आपको ये ऐसी वीडियो डालकर उसको डिलीट कर दें, क्योंकि आपको फिर बाद में प्रॉब्लम आएगी। आपने शुरू करना तो अच्छे से शुरू करें। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको पता लग सके वो गलती जो मैंने की आप ना करें। कृपया करके आप कोई भी ऐसी वीडियो मत डालें जो कोई लगा जैसे सारे गाँव पा जाए, किसी भी वो रीयूज हो, पहले भी YouTube पे डली हो आप भी डाल दो, किसी और का कंटेंट कहीं और से उठा कर डाल दे। मैंने ये 6-7 साल पुरानी गलती की थी पर आज मुझे उसका हर्जाना भरना पड़ा। हमारी पूरी कोशिश रहेगी जैसे मैंने अभी YouTube का अपना सफ़र शुरू किया, जो जो मुझे प्रॉब्लम आएंगी या कुछ भी होगा आपसे शेयर करेंगे। इससे क्या होगा, जो नया यूट्यूबर है, जो मेरी तरह बिल्कुल नए भाई लोग हैं, उनको वो प्रॉब्लमें फेस नहीं करनी पड़ेंगी जो मैंने की है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं हूं आपका लखनपाल 007।